Shifting our focus to Sudan then, where remember as violence between rival armed groups still continues to simmer in Sudan, a Twitter war has also now erupted between several politicians in India. Of course, we'll talk about that in just a bit. But as we pointed out, you in fact have the Sudan army and the paramilitary that in CAD have been fighting each other, which has resulted to a lot of unrest as far as the ground is concerned. Many Indians are also trapped. One Indian, unfortunately, has already lost his life. So what really is the way forward and how are people continuing to live their day-to-day life? CNN News 18, in fact, spoke to some Indians stranded about what the ground situation looks like, and this is what they had to say. यहाँ पे रूम के आजू-बाजू ही मार रहे हैं लोगों को और फायरिंग जो है बहुत तेजी से चल रही है यहाँ पे. जो आम जनता है यहाँ की वो जो भी है यहाँ पूरा कारतून सिटी खाली कर दिया है यहाँ पे. और जो जो यहाँ का जो हम है जो रूम का जो मैनेजर होटल का जो मैनेजर जो था वो भाग गया, पूरा भाग गया है पूरा यहाँ के लोग उसके गांव भाग गया. छोटे गांव था उसके गांव में भाग गया है वो. मैं यहाँ का जो होटल का मैनेजर वो भाग गया है. और सारे यहाँ पे जो ठहरे हैं हम इंडियन से ठहरे है यहाँ पे. वो पानी पानी तो छोड़ो और करंट भी छोड़ो. वो दूसरी बात क्या है कि जितने भी अस्पताल में यहाँ पे बड़े बड़े अस्पतालों में जो बीमारी लोग उन लोगों को कुर्सी पर बैठा के यहाँ से रस्ते छोड़ के रस्ते से सब भाग भाग के सुबह से जा रहा है सब. और रास्ते में सब के सब सारी गोली फायर चल रही है. और अभी एक जेट इमान उड़ रही थी उसको भी टॉप से उड़ा के नीचे गिरा दिया है. इंडियन एम्बेसी से आप लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है? आप जैसे कह रहे हैं कि होटल की जो अथॉरिटीज है वो भी भाग गए हैं. एम्बेसी में तो हमने किए ऑलरेडी बात भी कर चुका है जी. मगर एम्बेसी वाले क्या बता रहा है कि बाहर मत निकलो और खिड़की से दूर रहो, खिड़कियों से और ऊपर मत जाना और अंदर रूम के अंदर ही रहना चाहिए. नहीं, ये कौन सा फ्लोर है आप जिस रूम में हैं, ये कौन सा फ्लोर है? ये सर्टेनली इट्स नॉट अंडरग्राउंड. ये पांचवा है, पांचवा चारवा फ्लोर है ऐसा है हम कह रहे हैं. अच्छा, इंडिया में आप लोग कहां के निवासी हैं? आप लोग इंडिया में कहां के निवासी हैं? इंडिया में शिमोगा कर्नाटका. अच्छा, दावणगेरा चन्नगिरी मैसूर सभी लोग ये सारे कर्नाटक के यहाँ पे ठहरेल है. जितने भी आदमी सारे कर्नाटक के आदमी है. अच्छा, और यहाँ सुदान में आप लोग क्या कर रहे थे, क्या करते? हम मसाज करने वाले हैं. मसाज का. अच्छा. मसाज का जो मसाज बॉडी मसाज आता ना जो पेन क्लियर का उसका मसाज करते हैं हम. शिवानंद ने हमें बताया कि अभी फायरिंग जो पहले थोड़ी दूर पे थी अब वो सिविलियन एरियाज में डायरेक्टली अटैक कर रही है और आपको फायरिंग की आवाज बहुत ही पास से सुनाई दे रही है. अभी क्या ये तो देखो एक 500 मीटर 1000 मीटर से उधर एक रास्ता उधर से गोली फायर होता था. हम समझते थे कि चलो उधर की उधर ही होता था. अभी हमारे पास तो नजीक नहीं आ रहा है, हम ऐसा समझते थे. तो बात क्या हो रही है और वो हलो 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 हले हले हमारे से नजीक आ रहे हैं. कोई अश्योरेंस मिला है आपको एम्बेसी से कि थोड़ा वक्त का इंतजार करिए, कुछ दिनों की मोहलत मांगी गई हो? जी जी मिला है, जी मिला है, मिला है. थोड़ा इंतजार करो, बाद में सोचेंगे क्या करना है. अभी फिलहाल क्या है कि वो लोग भी बाहर नहीं निकल रहे और वो लोगों को भी प्रॉब्लम है. पूरे जितने ये कारतूम है ना, कारतूम पूरा लाइट बंद है, कारतूम पूरा पानी बंद हो गया है. तो आपके पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? खाने के लिए क्या है, फूड अरेंजमेंट्स है? खाने के लिए क्या है, वो जो यहाँ पे सूखा पाव बनाते हैं वो लोग शाम के टाइम में पाव बना देते हैं. तो वो पाव लेके ऐसा वाला मैं दिखाता हूँ आपको. देखिए ऐसा वाला ये जो थैली है इसमें शाम में जाके वो पाव ले लेते हैं. ऐसा वाला सूखा देखिए, ये ब्रेड वाला ऐसा सूखा वाला ब्रेड खा के सो रहे है. देखिए ब्रेड ऐसा खा के सो रहे है पाव. ये ब्रेड है सूखा पाव, ऐसा वाला खा के सो रहे हैं हमें. जी, इंडियन एम्बेसी बात कर रही है. पानी भी नहीं है यहाँ पे. जी जी, इंडियन एम्बेसी बात कर रही है अथॉरिटीज से. हमने ये भी देखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो यहाँ पे हिंदुस्तान में है वो कॉन्स्टेंटली इंडियन एम्बेसी के टच में है सुदान में. तो इस तरह की कोई बातें आप लोगों को बताई गई हैं कि इतने दिन में शायद इवैक्यूएशन पॉसिबल होगा आप लोगों का? तो हम जानते नहीं. अभी जो है यहाँ पे अभी ग्रुप बनाया हुआ है, दो ग्रुप जो सुडान कम्युनिटी जो इंडियंस कम्युनिटी सुडान का जो है
दो ग्रुप बनाया गया है, उसमें जो भी अपडेट्स आएगा भेजेंगे ऐसे कह रहे हैं, लेकिन कुछ भी अपडेट्स नहीं भेजा है अभी तक। जो यहाँ पे फंसे पड़े हुए हैं सबको मुसीबत ही मुसीबत झेल रहे हैं। नीचे गए गए, नीचे भी एक दो लोगों को मार दिया है यहाँ के सुरानी। कुछ लाना बोल के नीचे जाएंगे ना तो वहाँ पे तो गोली फायर चालू रहता है, तो नीचे जाके क्या फायदा, ऊपरी रहने का ठीक है बोल के ऐसा ही रह रहे रह रहे। नीचे जाएगा तो गोली फायर चालू है ना, तो कुछ लाने को जाए तो दुकान तो फिलहाल है ही नहीं चालू, कुछ भी चालू है नहीं। नीचे तो खाली गोली हो, जैसी दीपावली होती है ना रात दिन जी, दीपावली वैसे ही हो रहा है, रात दिन वही काम है इधर। Well, here's hoping that Indians and even others who are stranded can be, you know, brought to their respective countries and their families at the earliest. Well, with that, it's a wrap from our side. Thanks a lot for watching.